हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर प्रणव कुमार। मुझे कुछ दिन से लगातार साइकोलॉजिकल इश्यूज पे मेल्स आ रहे हैं, आप लोगों के मेल मिल रहे हैं और मैं वन बाय वन उनमें से मेल को लेता जा रहा हूँ और उसका आंसर करता जा रहा हूँ। तो आज हम लोग 4 या 5 ही मेल को लेंगे और उनसे बात करेंगे, उनको सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो आज मेल आया है, ये आया है नासिक से। इसमें इन्होंने पूछा है, मुझे टेंशन बहुत ज्यादा रहता है, हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। डरता हूं अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा, क्या करूं? देखिए, सोल्यूशन तो बहुत आसान है। टेंशन होना गलत नहीं है, टेंशन हर इंसान को होता है, लेकिन आपको यहां पे समझना होगा कि लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलता है। लॉ ऑफ एवरेज बोलता है कि आज तक जिन चीजों का आपने टेंशन लिया उनमें से 90% घटनाएं आपके साथ जिंदगी में नहीं होंगी। आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को उठा करके देख लीजिए। जब आप बच्चे थे तो हो सकता है बहुत चीजों से डरते होंगे। जब आप स्कूल पे रहते होंगे तो आपको अचानक से अगर टीचर कुछ क्वेश्चन पूछते हो बच्चों से और आपको उसका आंसर नहीं आता हो तो आप डरते होंगे कि शायद मुझसे भी पूछा जाएगा, बट वो हो सकता है आपके साथ हुआ नहीं हो। उसके बाद ऐसा टाइम आता है कि आप कोई हॉरर फिल्म देखते हैं, हॉरर मूवी देखते हैं, उसके बाद आपको भूत से डर लगने लगता है। आप कहीं जाने से डरते हैं कि अगर आप वहां जाएंगे तो हो सकता है कि भूत आ जाए। क्या कभी भूत आया? कभी नहीं आता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जॉब जाने का डर रहता है, उनकी जॉब जाती नहीं है लेकिन वो बार बार इस बात को लेकर के डरते हैं कि हो सकता है आज मेरी जॉब चली जाए, हो सकता है आज मेरी जॉब चली जाए, अगर मेरे बॉस मेरे पे गुस्सा हो जाए तो हो सकता है मुझे जॉब से फायर कर दे। बट ये होता नहीं है यूजुअली। बहुत से लोग हैं जो बिजली चमकने से डरते हैं, बादल गरजने से डरते हैं। सभी लोग मर रहे हैं क्या बिजली चमकने से और बादल गरजने से? ऐसा नहीं होता है। और अगर आप देखें और डर से ही अगर हर इंसान बैठ जाए अपनी जिंदगी में तो कोई किसान तो फसल ही नहीं उगाएगा, फिर लोगों को खाना कैसे मिलेगा? क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है हर बार मौसम खराब होने के चलते उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाए। और ये सोच कर कि इस डर से मैं फसल उगाना ही छोड़ दूं तब तो देश के सारे लोग भूखे मर जाएंगे। तो एक किसान जो कर्ज लेता है, कर्ज लेके फसल उगाता है जिससे पूरी दुनिया का पेट भरता है और फिर वो अपने कर्ज को भी चुकाता है, वो अगर ये सोच करके बैठ जाए कि मैं फसल ही नहीं उगाऊंगा और इस डर से वो बैठ जाए तो लोगों का पेट कैसे भरेगा? तो 90% चीजें जिंदगी में ऐसी होंगी जो कभी आपके साथ नहीं होंगी बट उसको लेकर के आप अंदर ही अंदर डरते रहते हैं। तो आपको सबसे पहले यह समझना है कि लॉ ऑफ एवरेज क्या है। लॉ ऑफ एवरेज बोलता है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी घटना के होने की कितनी है, जो जिसको लेकर के आप डरते हैं 90% चीजें आपके साथ में कभी भी नहीं होंगी। और आपको 3-4 सवाल अपने आप से पूछना है जब भी आपको लगे कि आपको इस तरह की परेशानी हो रही है या इस तरह का टेंशन हो रहा है। तो जो सबसे पहला सवाल है वो ये पूछना है कि मैं किस चीज से टेंशन में हूं। आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस ले लीजिए और पूछिए। सेकेंडली पूछिए कि जिस चीज को लेकर के मैं टेंशन में हूं उस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। और थर्ड क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि अगर वो चीज हो भी जाए तो क्या उसका कोई सलूशन नहीं है। मैंने काफी लोगों को देखा है कि डॉक्टर उनको कोई टेस्ट लिख देते हैं, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो या किडनी से रिलेटेड हो या कैंसर से रिलेटेड हो, वो लोग बहुत डर जाते हैं। तो टेस्ट का रिपोर्ट नेगेटिव आता है लेकिन वो लोग इस बात को लेकर डरते रहते हैं कि हो सकता है मुझे कैंसर हो जाए, हो सकता है मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हो जाए, बट रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आता। पैनिक डिसऑर्डर एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें पैनिक अटैक आते हैं। ये सोचते हुए ही आता है पैनिक अटैक कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है या कुछ हो रहा है, बट उनके साथ कभी ऐसा नहीं होता। इस चीज को लेकर वो अपनी जिंदगी को जरूर खराब कर लेते हैं। तो दो चीजें अपने आप से पूछना है, मैं किस चीज को लेकर टेंशन में हूं, अगर उस चीज को लेकर मैं टेंशन में हूं तो उस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी कितना है। तीसरा सवाल अपने आप से करना है कि अगर वो चीज हो भी जाए तो क्या उसका कोई सलूशन नहीं है। दुनिया में ज्यादातर चीजें ऐसी हैं जिनका सलूशन है, बहुत कम चीजें ही ऐसी हैं जिसका सलूशन नहीं है। तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि जो जिस पर आपका जोर नहीं चल रहा उस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए और जिस पर कि आप कुछ चेंजेस ला सकते हैं उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। हमेशा याद रखिए कि सुबह शाम सर्दी गर्मी बेइज्जती अपमान इन चीजों का आपको सामना करने की आदत डालनी चाहिए। जैसे कि कोई भी एनिमल करता है, कोई पशु करता है, कोई पक्षी करती है या कोई ट्री करता है। याद रखिए दुनिया में हर बीमारी का इलाज है। अगर इलाज है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, और अगर इलाज नहीं है तो फिर उससे टेंशन लेने की जरूरत क्यों है? क्योंकि आप टेंशन लेंगे तब भी उसका इलाज नहीं मिलेगा। तो आपको एक चीज याद रखना है कि आपको पास्ट के एक्सपीरियंसेस को दफन कर देना है, वो कभी वापस नहीं आएगा। तो जो समय बीत गया वो बीत गया, उसको कोई नहीं बदल सकता, भगवान भी उसको नहीं बदल सकते। जो आपकी पास्ट हिस्ट्री रही है किसी भी चीज को लेकर
उस मेमोरी को हटाइए, वो खत्म हो गया है, जलकर राख हो गया है, उसको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है, या उसको सोच सोच करके अपने फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस करना बंद कीजिए और अपने चिंताओं पे स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉप लॉस वही स्टॉप लॉस है जो आप शेयर्स में लगाते हैं। जब आप कोई शेयर परचेज करते हैं तो शेयर परचेज करने के बाद आप एक स्टॉप लॉस का एक पैरामीटर डिसाइड करते हैं कि अगर इतना नीचे आ जाए तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। उसी तरह से अपने चिंताओं पे भी स्टॉप लॉस लगाइए कि ज्यादा से ज्यादा मैं इसको लेकर इतना ही वरीड हो सकता था, इससे ज्यादा वरीड होगा तो मेरी जो दिमाग की शांति है वो डिस्टर्ब होगी, तो उसको स्टॉप लॉस लगाइए और उसके बाद उसको जाने दीजिए, उन चीजों को लेट गो कीजिए। जो थॉट्स आ भी रहे हैं उनके बारे में याद रखिए कि ये थॉट्स हैं, ये मैं नहीं हूं, ये थॉट्स हैं। वो थॉट्स आएंगे और एक टाइम के बाद में निकल जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। तो किसी भी तरह की नेगेटिविटी मत रखिए और हमेशा प्रोबेबिलिटी देखिए कि किसी घटना से आपको नुकसान पहुंचने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और अगर वो चीज हो भी जाए तो उसका सलूशन क्या है। मेरे पास एक पेशेंट मुझसे मिलते थे, उनको इस बात से पैनिक अटैक आता था कि उनको शायद अस्थमा का अटैक आ जाएगा, उनको सांस की तकलीफ होती थी और उन्हें लगता था कि कहीं मुझे अस्थमा नहीं हो जाए, इसीलिए वो उस चीज से डरते थे। मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि क्या आपको, आप दुनिया के पहले इंसान होंगे जिसे अस्थमा होगा, अगर रिपोर्ट पॉजिटिव भी आता है तो? क्या आप दुनिया के ऐसे पहले इंसान है जिसे अस्थमा होगा? हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें अस्थमा है, उसके साथ वो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिनको अस्थमा है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपको दो ही चीज करना है, टाइम पे मेडिसिन लेना है और अपना थोड़ा सा ख्याल रखना है। अस्थमा कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। तो आप पहले दुनिया के इंसान नहीं है जिनको किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम है, हर इंसान को प्रॉब्लम है, हर इंसान को किसी ना किसी तरह की परेशानी है। थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है और इन चीजों को ज्यादा, इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। अपने थॉट्स को वॉच करने की कोशिश कीजिए, चुपचाप बैठिए और देखने की कोशिश कीजिए कि आज मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, थॉट किस तरह के थॉट आ रहा है। जब आप उस चीज के को लेकर के साक्षी बन जाते हैं तो कुछ टाइम के बाद आप अपने थॉट्स को देखने लगते हैं और आपको समझ में आ जाता है कि ये तो आप है ही नहीं, आपके थॉट्स है, और थॉट्स का काम है आना और जाना। जैसे एक बार थॉट्स चली जाए उसके बाद वो प्रॉब्लम, वो टेंशन वाले पल भी चले जाएंगे। तो थॉट्स को आने दीजिए और जाने दीजिए। हेल्दी खाना खाइए, न्यूट्रिशियस खाना खाइए, जो भी एडिक्शन से रिलेटेड चीजें उसे छोड़ दीजिए। स्मोकिंग नहीं करने की कोशिश कीजिए, अल्कोहल नहीं लेने की कोशिश कीजिए, किसी भी तरह का नशा मत कीजिए। वॉकिंग कीजिए, फिजिकली फिट रहिए, खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, मेडिटेशन कीजिए, ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। और किसी भी चीज के लिए अगर आपको किसी चीज से परेशानी होती है तो उस चीज पे स्टॉप लॉस लगाइए कि इतना ही मैं इसके बारे में सोच सकता हूं, उससे ज्यादा टेंशन नहीं ले सकता। अगर वो आपको लगता है कि उतना टेंशन आपने ले लिया है, उससे बाहर निकल जाइए, अपने आपको किसी ना किसी दूसरे काम में इन्वॉल्व कर लीजिए जिससे कि आपको उस चीज से ध्यान हट जाए। वंस आपने उस चीज से अपना ध्यान हटा लिया, धीरे धीरे आपको जो सिम्टम्स आ रही है वो सारी चीजें आना बंद हो जाएगी। एक बार इसको आदत के फॉर्म में डेवलप करना है, जैसे आप ऐसा कर लेंगे इसके बाद आपको आगे परेशानी नहीं होगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कुछ चीजें समझ में आई हो, और आगे भी अगर आपको कुछ भी सवाल पूछना है तो आप मुझे मेल कीजिए, मैं आपको आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ये आया है हिमाचल प्रदेश से। ये पूछ रहे हैं, मुझे अपने करियर में फेलियर का बहुत डर है, मेरे साथ हमेशा नेगेटिव चीजें ही होती हैं, इस डर से कैसे बाहर आ सकते हैं? देखिए, यहाँ दो डर है आपको, एक तो फियर ऑफ क्रिटिसिज्म है और एक फियर टू बी रिजेक्टेड है, यानी फियर ऑफ रिजेक्शन है। तो आपको क्या करना है, आपको समझना है कि दुनिया में किसी के भी हाथ में किसी चीज का कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल सिर्फ नेचर के हाथ में है। आपके मन पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपकी सांसों पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपके बॉडी पे आपका कंट्रोल नहीं है, दूसरों पर आपका कंट्रोल कैसे हो सकता है? वो भी हो ही नहीं सकता। लोग तो कह ही सकते हैं, आपको क्रिटिसाइज कर ही सकते हैं, बट उसको लेकर के डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। उनके दिमाग की जो उपज है उससे आप अपने आप को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? उससे आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा कोशिश कीजिए हर चीज में अपना बेस्ट देने की, सो गिव योर बेस्ट, और उसके बाद आप अपने माइंड के मेंटल अम्ब्रेला को खोल लीजिए, जो क्रिटिसिज्म बारिश की तरह आ रहा है जिससे आपको बचाएगा। वो मेंटल अम्ब्रेला क्या हो सकता है? वो मेंटल अम्ब्रेला हो सकता है पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स कैसे हो सकते हैं? आपको स्पिरिचुअल इंजेक्शन की जरूरत है, मोटिवेशनल इंजेक्शन की जरूरत है। जो पॉजिटिव कोट्स होते हैं सक्सेस के बारे में, उन चीजों को आप एक डायरी में नोट करना शुरू कीजिए और रोज सुबह शाम दोपहर और रात उनको जरूर पढ़िए। जब भी आपको किसी चीज को लेकर के कोई थॉट डिस्टर्ब करे, या फेलियर से रिलेटेड कोई थॉट आए, रिजेक्शन से रिलेटेड कोई थॉट आए, तो आप उन कोट्स को पढ़िए। वो कोट्स आपको काफी हेल्प करेंगे। आप किसी रिलीजियस बुक को भी पढ़ सकते हैं, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे गीता हो, उसमें आपको बहुत सारी पॉजिटिव चीजें मिलेंगी जिससे आप इन नेगेटिविटी से बाहर आ सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको फेलियर नहीं मिला। बड़े से बड़े साइंटिस्ट को भी देखिए, उनको बहुत ज्यादा फेलियर मिला है।
यूएस के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को देखे तो 52-53 इयर्स के एज तक तो उनको सिर्फ फेलियर ही मिली है, हर जगह फेलियर मिली है। तो दुनिया में जितने बड़े से बड़े एथलीट है वो भी सिर्फ फेलियर, उनको बहुत फेलियर मिलता है। ओलंपिक्स में जाते हैं गेम के लिए, 15-15 साल तक की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, सर्जरी कराते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, और इसके बाद 10-15 सेकेंड्स के डिफरेंस से वो हार जाते हैं। आप सोचिए कि 15 सेकेंड के डिफरेंस से वो हार रहे हैं, उसके लिए उन्होंने 15 साल की तैयारी की थी, तो उनको कितना डिप्रेशन होना चाहिए। फिर भी वो नहीं हारते, फिर से तैयारी करते हैं, तो आपको भी फिर से लगना पड़ेगा। क्रिटिसिज्म से मत डरिए, अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, और कभी भी अगर कोई नेगेटिव कमेंट आ रहा है, कोई क्रिटिसिज्म आ रहा है, तो उसको एक बारिश की तरह सोचिए और अपने पॉजिटिव थॉट्स को उससे बचने के लिए अम्ब्रेला बनाइए। हर किसी का टाइम आता है, आपका भी टाइम आएगा, कभी अच्छा टाइम आएगा, कभी बुरा टाइम आएगा। बुरा टाइम में अपने आप को संभालने की जरूरत है, अच्छे टाइम में अपने आप को कंट्रोल करके रखने की जरूरत है। जब आप बुरे दौर से गुजर रहे हो तो किसी से भी बैड बिहेव मत कीजिए, जब आप अच्छे टाइम पे हैं, अच्छे दौर में हैं, तब भी किसी के साथ खराब बिहेव मत कीजिए। न्यूट्रल रहने की कोशिश कीजिए और इन सभी चीजों से बाहर रहिए, तो आप इन सारे थॉट से बाहर निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है जबलपुर से। ये क्वेश्चन है, मुझे रातों को नींद नहीं आती, पूरी रात वॉकिंग करता रहता हूँ, मुझे डर लगता है कि नींद की कमी से मुझे कोई बीमारी आ गई तो मैं क्या करूंगा, इसका सलूशन बताइए। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी मौत नींद की कमी के चलते हुई हो, दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। नींद की कमी के चलते कभी किसी की मौत नहीं आती, तो आप इस चीज से इतना ज्यादा क्यों डर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि टेंशन लेने से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। नींद की कमी आप में है, आपको नींद नहीं आ रही है, इससे किसी की मौत नहीं हो सकती है, लेकिन टेंशन लेने से बहुत सी बीमारियां आ सकती हैं। क्या क्या बीमारियां आ सकती हैं? ब्लड प्रेशर आ सकता है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है, गाउट आ सकता है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज आ सकती है, और भी काफी सारे प्रॉब्लम्स है जो आ सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज स्ट्रेस से रिलेटेड है, टेंशन से रिलेटेड है। टेंशन लेंगे स्ट्रेस होगा तो ब्रेन के में से जो केमिकल्स निकलते हैं उनका बैलेंस बिगड़ेगा, तो प्रॉपर तरीके से हार्ट की जो आर्टरीज है, जो ट्यूब है, जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हार्ट जो ब्लड लेता है, वो ट्यूब सिकुड़ जाएंगी, तो फिर उसमें आपको सांस की तकलीफ हो सकती है, क्योंकि ब्लड कम जाएगा तो ऑक्सीजन कम मिलेगा, और इस तरह से हार्ट का भी जो फंक्शनैलिटी है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकेगी। ऐसे सिचुएशन में स्ट्रेस भी बढ़ेगा, हार्ट की तकलीफ भी हो सकती है, बाकी तकलीफ भी हो सकती है। तो नींद की कमी से किसी का नुकसान नहीं होता है। नुकसान कब होगा? नुकसान तब होगा जब आप टेंशन को इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा बढ़ाएं कि मुझे नींद की कमी हो रही है, अब क्या करूं। नींद की कमी से कोई नहीं मरता है, आपको एक स्लीपिंग हैबिट डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि नींद एक हैबिट है। अगर आप कोशिश कीजिए कि रात को जल्दी खाना खा करके जल्दी सोने की कोशिश, आपको यह करना है कि आप 10 बजे तक सो जाए, और इसे एक हैबिट की तरह डेवलप करना है। हैबिट की तरह कैसे डेवलप करेंगे? तो सबसे पहले तो एक घंटे पहले आप खाना खा लीजिए। खाना खाने के बाद एक घंटे के लिए आप मोबाइल नहीं देखेंगे, टीवी नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे। सोने से एक घंटे पहले तक देख लीजिए जो भी आपको करना है, लेकिन एक घंटे के लिए पहले जाइए, अपने पैरों को अच्छे तरीके से ठंडे पानी में डुबा करके रखिए, उसके बाद पैरों को साफ कीजिए, बेड में जाइए, आराम से लेटिए, गहरी सांसें लीजिए, और अपने मन को, अपने माइंड को एफर्मेशन देना है, और ऐसा फील करना है कि कोई ऐसा एरिया है जहां पे बिल्कुल खुला आसमान है और बिल्कुल नदी बह रही है, उसके साथ आप बहते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे अपने आर्म्स को एक बार ऐसे मुट्ठियां जोर से बांधनी है, आर्म्स पे प्रेशर आएगा, उसके बाद उसको धीरे से छोड़ना है तो रिलैक्स होगा। धीरे धीरे अपने माइंड को इन्फॉर्मेशन देना है कि मेरा पूरा बॉडी रिलैक्स हो रहा है, अंगूठे रिलैक्स हो रहे हैं, टो रिलैक्स हो रहा है, काफ मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, नी रिलैक्स हो रहा है, उनको बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, थाई रिलैक्स हो रहा है, पेट रिलैक्स हो रहा है, चेस्ट रिलैक्स हो रहा है, पूरी जकड़न को छोड़ दीजिए, बॉडी को ढीला छोड़िए। फिर आप करेंगे हाथ की उंगलियां रिलैक्स हो रही हैं, उसके बाद शोल्डर रिलैक्स हो रहा है, गला रिलैक्स हो रहा है, जबड़ा रिलैक्स हो रहा है, सर का पोर्शन फोरहेड रिलैक्स हो रहा है, आंखें रिलैक्स हो रही है, आंखों की पलकें रिलैक्स हो रही है, उनमें कोई प्रेशर नहीं रखना, उनको बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। माइंड रिलैक्स हो रहा है, ब्रेन रिलैक्स हो रहा है, और डीप स्लीप ऐसे मुंह से नहीं बोलना है, मन ही में अपने आप को कमांड्स देने हैं, तो बहुत जल्दी आपको नींद आ जाएगी। देखिए, नींद एक हैबिट है। अगर आप सोचते हैं कि नींद की दवा लेके नींद आएगी तो ये बहुत गलत आदत लगेगी।
मतलब 10-15-20 डेज तक इस तरह से रिलैक्सेशन मेथड के थ्रू आप अपने रूम में चले जाएं, लाइट्स को ऑफ करें या बहुत डिम लाइट रखें और मोबाइल टीवी इन सभी चीजों से दूर रखें और इस रिलैक्सेशन एक्सरसाइज को करें, तो बहुत जल्दी आपको नींद आने लगेगी और नेचुरल तरीके से आने लगेगी। तो नींद लाने के लिए कोई दवा पर डिपेंड नहीं रहना है, टेंशन नहीं करना है, नींद अपने आप आएगी। आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा अपने ब्रेन को भी, अपने बॉडी को भी, इस सिस्टम को एडजस्ट करने के लिए। प्रैक्टिस शुरू कीजिए, बहुत जल्दी आपको इस चीज से छुटकारा मिल जाएगा। देखिए, टेंशन आने के पीछे एक रीजन है। अगर एक रस्सी है, एक रस्सी अगर सपोज मान लीजिए ये एक रस्सी है, तो इसके एक एंड को आप पास्ट मान लीजिए, एक एंड को आप फ्यूचर मान लीजिए। तो पास्ट और फ्यूचर को लेकर के ही स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है। पास्ट में कुछ ऐसी घटना हो गई, बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई, लाइफ में बहुत ज्यादा फेलियर देखने को मिले, किसी से रिलेशनशिप में थे और वो रिलेशनशिप में अचानक से ब्रेकअप होता है, डिवोर्स हो जाता है, या कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है जो पास्ट से जुड़ी हुई है। एक रस्सी में कांट आपने बांध रखी है जो पास्ट से जुड़ी हुई है, और दूसरी रस्सी के दूसरे एंड को खींचकर आपने बांधा है जो फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। फ्यूचर से जुड़ा हुआ जो चीजें हैं, जो चीजें फ्यूचर से जुड़ी हुई है, वो एंजाइटी लाएंगी कि ऐसा हो गया तो क्या, मेरे साथ ऐसा हो गया तो क्या। तो आप अगर देखें तो आप अपने पास्ट और फ्यूचर को लेकर के बंध गए हैं। आपको अगर आराम से जीना है तो आपको दोनों कांटे खोल लेनी होंगी, यानी इस रस्सी के पास्ट वाले एंड को भी खोल लेना होगा, फ्यूचर वाले एंड को भी खोल लेना होगा। तो जो बचेगा वो बचेगा सिर्फ आपका प्रेजेंट, और प्रेजेंट में कभी टेंशन है ही नहीं। तो पास्ट में जो हो गया वो तो जल के राख हो गया, खत्म हो गया, वो कभी वापस नहीं आएगा, भगवान भी इसको सही नहीं कर सकता, वो चीजें बीत गई। तो वो चीजें कभी आपके जिंदगी में डिस्टर्ब करने के लिए आपको आएंगे ही नहीं। और फ्यूचर की जहां तक बात है, फ्यूचर का तो किसी को पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फ्यूचर के लिए कुछ भी काम करना बंद कर दीजिए, नहीं, आप फ्यूचर के बारे में सोचिए मत। आप हर दिन को उठिए और उस दिन सोचिए कि आज के दिन मैंने अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए क्या इन्वेस्ट किया, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। अगर आप कोई नई चीज सीखते हैं तो वो भी एक तरह से फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इन्वेस्टमेंट है। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, या आपने किसी को हेल्प किया। हर रोज ये देखिए कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए मैंने क्या किया, क्या सेविंग की, क्या कोई इन्वेस्टमेंट किया, या क्या किया। ये आप हर रोज सोचेंगे तो प्रेजेंट में ही रहेंगे और आपका फ्यूचर तो अपने आप सिक्योर होता जाएगा। दो चीजें हैं, एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, करियर और हेल्थ। ये तीन चीजों के चलते ही सबसे ज्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन आता है। और एक रिलेशनशिप, अहंकार को छोड़ दीजिए, कोई भी कुछ बोलता है उसको लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट कीजिए, क्रिटिसिज्म से निराश मत होइए। हर किसी को क्रिटिसिज्म सहना पड़ता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को क्रिटिसिज्म सहना पड़ता है, देश के प्रेसिडेंट को क्रिटिसिज्म सहना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसिज्म सहना पड़ता है। वो लोग इतने ऊपर ऊंचाई पे हैं, अपने करियर के पीक पे, फिर भी उन लोगों को क्रिटिसिज्म पहुंचना सुनना पड़ता है। तो आपको भी सुनना पड़ेगा, इसकी आदत डालिए, इससे टेंशन मत लीजिए। क्रिटिसिज्म होता है तो उसको पॉजिटिवली लीजिए, उससे अगर कुछ इंप्रूवमेंट करने की आसार नजर आती है तो उसको इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि आप जिस चीज को भी लेकर के स्ट्रेस में है, सबसे पहले तो उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को कलेक्ट कीजिए कि मैं क्यों टेंशन में हूं, बैठिए एनालाइज कीजिए, उसके बाद उसके एक एक पार्ट को खोलना शुरू कीजिए। जैसे कोई मैकेनिक होता है, कार मैकेनिक हो या बाइक का मैकेनिक हो, वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। अगर उसे प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है तो वो क्या करता है, हर एक पार्ट को खोल देता है, फिर धीरे धीरे सब पार्ट को जोड़ता है। उसी तरह से आप प्रॉब्लम का बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दीजिए कि ये प्रॉब्लम क्या था, उसको पूरी तरह से सामने खोल कर रखिए, उसके बाद आप देखिए कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। मतलब प्रॉब्लम के बारे में सोच सोच कर उसके अंदर ही घुसते नहीं चले जाना है। प्रॉब्लम पता चला, अब सोल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको सोल्यूशन मिलेगा। दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। अगर आप प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहेंगे तो आपको बहाने मिलते रहेंगे, आप सोल्यूशन के बारे में फोकस करेंगे तो आपको रास्ते मिलेंगे। तो आपको बहुत जरूरी है कि सोल्यूशन के बारे में सोचिए और उसके बाद आप इस चीज से बाहर आ पाएंगे। हमेशा याद रखिएगा कि चिंता होना तो बहुत सिंपल सी बात है, इंसान है तो चिंता होगी। चिंता सिर्फ लाश को नहीं होती है, सिर्फ लाश ही होता है, मुर्दा ही ऐसा होता है जिसको चिंता नहीं होती है। बाकी चिंता होना एक बहुत कॉमन सी बात है, तो उसको लेकर के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साक्षी बन जाइए, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए, बैठिए और ये देखने की कोशिश कीजिए कि मेरे दिमाग में अभी कौन सा थॉट चल रहा है। आप देखेंगे कुछ टाइम के लिए एक थॉट आएगा, वो निकल जाएगा, फिर थॉट को ऑब्जर्व कीजिए कि अब मेरे दिमाग में कौन सा थॉट चल रहा है। जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो आप अपने माइंड के थॉट्स को ही वॉच करना शुरू करते हैं। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आप समझ जाएंगे कि दिक्कत आपको अंदर से नहीं है, ये चीजें थॉट से जुड़ी हुई है,
और उन थॉट्स को अवॉइड करने की कोशिश करना है। वंस आपने ऐसा करना शुरू किया, उसके बाद आप कोई भी टेंशन वाली चीज को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करेंगे, उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे और उन चीजों से डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो इस तरह से टेंशन से आप बिल्कुल आराम से बच के निकल सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये क्वेश्चन आया छत्तीसगढ़ से, इसमें पूछ रहे हैं, हमेशा इस बात का डर बना रहता है कि लोग क्या कहेंगे, इस डर से कैसे बचूं? देखिए, लोग तो गलत कहेंगे, इस डर से आप बचना क्यों चाहते हैं? बड़े से बड़ा आदमी हो उसे भी क्रिटिसिज्म सहना पड़ता है। किसी देश का प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, बड़ा से बड़ा सेलिब्रिटी हो, बड़ा से बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन हो या कोई भी इंसान हो, क्रिटिसिज्म तो सहना पड़ेगा। हर चीजें आपके हिसाब से नहीं चलेंगी। जैसे आप किसी चीज को खरीदने जाते हैं, अगर आप एक कपड़ा खरीदने जाते हैं तो हो सकता है कि एक कपड़ा आपको पसंद आए बट वो कपड़ा हो सकता है आपकी वाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं है। आपके किसी फ्रेंड ने कोई कपड़ा पहना है, हो सकता है वो चीज उसे बहुत पसंद है बट वो चीज आपको पसंद नहीं है। आपको कुछ खाना, कोई स्पेसिफिक डिश बहुत पसंद है जो आप खाना बहुत पसंद कर सकते हैं, हो सकता है कि आपके जानने वाले कोई या आपके फैमिली में किसी को वो चीज पसंद नहीं हो। तो पसंद और नापसंद हर किसी की अलग अलग हो सकती है। हो सकता है जो चीज आपको सही लग रही है किसी और को गलत लग रही हो, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। तो उससे ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। जहां तक क्रिटिसिज्म की बात है, जो आपकी बात से सहमत नहीं होंगे वो तो क्रिटिसाइज करेंगे ही। एक रूलिंग पार्टी के लीडर को हमेशा ऑपोजिशन क्रिटिसाइज करती है, तो क्या वो उसके चलते चलना बंद कर देता है? कभी बंद नहीं करता, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता जाता है, वो एफर्ट्स लगाना तो बंद करता ही नहीं है। और अगर आप देखें तो जो भीड़ कह रही है, जिसको ज्यादा से ज्यादा भीड़ साबित करने की कोशिश कर रही है, उसे आप हमेशा झूठ ही समझिए। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री को उठाकर देखें तो आपको दिखेगा कि सच तो हमेशा अकेलापन में ही मिलता है, क्योंकि भीड़ तो हमेशा झूठ ही कहती है। आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, चाहे आप जीसस क्राइस्ट की बात कीजिए, चाहे मोहम्मद की बात कीजिए, चाहे महावीर की बात कीजिए, चाहे बुद्ध की बात कीजिए, चाहे लाओत्से की बात कीजिए, चाहे सोक्रेट्स की बात कीजिए, ये सारे लोग जो कह रहे थे जब ये जिंदा थे, उस टाइम पे ज्यादा लोग इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे थे या इनको पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन सच तो वही है, सच्चाई तो उन्हीं को मिली थी, सच तो उन्हीं को पता चला था, और फिर उसके बाद उनके जाने के बाद ये बहुत बड़ा धर्म बनकर फैला। इसका मतलब सच तो अकेलापन में ही आएगा, तो सच्चाई जो है वो अकेलेपन में ही आपको मिलेगी। भीड़ तो हमेशा आपको झूठ साबित करने की कोशिश करेगी, तो आप उस चीज से क्यों डर रहे हैं? डरने की जरूरत नहीं है। आपने जिस बात को पकड़कर रखा है, जिस बिलीफ को पकड़कर रखा है, अगर आपको लगता है कि वो ठीक है और आप गलत नहीं कर रहे हैं, तो आपको दूसरे क्या कहेंगे इस बात को सोचकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भगवान भी जो रहे हैं, उन लोगों को भी क्रिटिसिज्म सहना पड़ा है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो भेड़ चाल से चल रही है, वो झूठी बोलेगी। जो सच्चे लोग हैं उनको तो बात कुछ और ही नजर आएगी, क्योंकि सच तो अलग ही होता है, भीड़ से बिल्कुल अलग होता है। तो इसलिए क्रिटिसिज्म सबको सहना है, लोग कुछ भी कहें उससे आपको क्या फर्क पड़ता है। अपने काम पे फोकस कीजिए और अच्छे से अच्छी जिंदगी आपको सिर्फ मेंटल पीस में ही मिल सकती है। ज्यादा किसी भी चीज के लिए लालच रखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट किसी भी चीज से रखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पैसे के पीछे भागने की भी जरूरत नहीं है। शांत रहना है, खाना टाइम पर मिल जाए, रहने के लिए छत है, घर के लोग हैं, रिलेशनशिप की बहुत ज्यादा वैल्यू है, इन सभी चीजों को ध्यान देना है। क्योंकि पैसा तो कोई साथ में लेकर जा ही नहीं पाया। एक फकीर भी है, या तो उसे भी दफना दिया जाएगा मरने के बाद या जला दिया जाएगा, एक अमीर से अमीर आदमी है उसको भी दफना दिया जाएगा या मरने के बाद जला दिया जाएगा। तो जैसा इंसान, जब इंसान आता है तब ना वो कुछ लेकर आता है, जब वो जाता है ना तो तब वो कुछ लेकर जाता है। तो बहुत ज्यादा लालच की जरूरत नहीं है, लालच बढ़ेगा टेंशन बढ़ेगा। ऊपर वाले ने आपको जो कुछ भी दिया है उसके लिए ऊपर वाले को थैंक्स बोलिए, क्योंकि बहुत सारे दुनिया में लोग ऐसे हैं जिनके पास आपसे भी ज्यादा पोटेंशियल है बट उन्हें कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है या ऐसी जिंदगी नहीं नसीब हो रही है जो आपको मिल रही है। तो जो है उसके साथ में खुश रहिए। हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप डेवलपमेंट की बात नहीं सोचे, सोचिए, लेकिन बहुत ज्यादा लालच मत रखिए, जो भी है उससे सेटिस्फाइड रहिए, तो आपको इन सभी चीजों से बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी बात, मैंने कहा कि लोग क्या कहेंगे इसको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने नजरों में नहीं गिरते हैं तो आप जीत गए, अगर दुनिया के नजरों में आप बहुत महान है और अपने नजरों में गिर जाते हैं तो आपसे बड़ा हुआ थका और हारा हुआ इंसान कोई हो ही नहीं सकता।
इसलिए अपने नजरों में अपने आप को हमेशा उठाकर रखना है, सेल्फ रेस्पेक्ट को कभी नहीं गिरने देना है। ये सारी चीजें याद रखिए, क्रिटिसिज्म का जिंदगी में कोई भी महत्व नहीं है, इसको अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का क्वेश्चन आया है फरीदाबाद से, ये लिख रहे हैं, मुझे कभी कभी आत्महत्या के थॉट्स आते हैं, कहीं अंदर से आवाज आती है कि ये गलत है, फिर भी लाइफ की सर्कमस्टांसेस को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में मुझे इसी ओर ढकेल रही है, क्या हमेशा धोखा ही खाता रहूंगा, क्या करूं? आपको आत्महिंसा में इतना इंटरेस्ट क्यों है? ये तो दुनिया का सबसे महानतम पाप है, अपने आप के साथ हिंसा करना, सुसाइड के बारे में सोचना, ये आत्महिंसा है, और इससे महानतम पाप तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। लाइफ तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और लाइफ एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आप इतना कायर क्यों बनने की कोशिश कर रहे हैं? आपको सुसाइड के थॉट इसलिए आते हैं क्योंकि सुसाइड करना बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, अपने जिंदगी को खत्म कोई भी कर सकता है, जब चाहे तो ही कर सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? चैलेंज लेना और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना और उसका सोल्यूशन ढूंढकर निकालना और उससे बाहर आना, लाइफ तो आपका परीक्षा ले रही है, आपको एग्जामिन कर रही है, आपको टफ चैलेंजेस फेंक रही है, खड़े रहकर उसका सामना कीजिए। आप भाग क्यों रहे हैं? अगर आप आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सोल्जर्स के बारे में सोचिए जो बॉर्डर पे खड़े हैं और देश के लिए अपनी जान देने के लिए सोच रहे हैं, उनके जान देने के पीछे एक मकसद है। आप अपनी परेशानियों से हार गए हैं, अपनी जिंदगी के परेशानियों से इतना हार गए कि आप सुसाइड के बारे में सोच रहे हैं। मुझे कहानी याद आती है, एक फकीर था, उसके सामने एक इंसान आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था, तो वो फकीर पूछता है कि तुम सुसाइड करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तो बताता है कि मेरे लिए मेरी जिंदगी कोई काम का नहीं है। तो फकीर उससे एक बात कहता है कि ठीक है, तुम्हें तो जान देना ही है, तुम जान दे देना, लेकिन मेरे साथ चलो, और मेरे साथ चलोगे उसके बाद 5 मिनट के बाद तुम जान दे देना, लेकिन तुम्हारे मेरे साथ चलने से मुझे कुछ फायदा हो जाएगा, तो जाते जाते मुझे कुछ तो फायदा देकर जाओ। वो इंसान कहता है ठीक है। तो फकीर उसे अपने राजा के पास लेके जाता है, राजा भी थोड़ा सा दिमाग का संकी था। उस राज्य के राजा के पास जब फकीर पहुंचता है तो वो फकीर बताता है उसे कि ये मरने वाला है और आप इसके शरीर के अंगों को खरीद लीजिए। तो सबसे पहले वो कहता है कि आप इसकी आंखों को खरीद लीजिए और आंखों के लिए बोली लगाइए। तो वो इंसान कहता है कि मैं अपनी आंखें क्यों दूं? तो कहता है तू तो ऐसे भी मरने वाला है, तू तो मरकर रहेगा, तुझे आंखें किस काम की है? तो तू इसे बेच दे, मुझे कुछ फायदा हो जाएगा इससे। फिर वो कहता है कि इसका हार्ट भी निकाल लीजिए, इसका हार्ट भी निकाल करके रख लीजिए, उसके बदले भी मुझे इतने पैसे दे दीजिए, इसका दिमाग भी निकाल लीजिए, उसके बदले में इतने पैसे मुझे दे दीजिए। तो वो इंसान कहता है कि तुम क्या पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो मेरे साथ, क्या सोल्यूशन दे रहे हो? तो वो फकीर कहता है कि तुझे इन चीजों की जरूरत कहां है, तू तो ऐसे भी इन चीजों से दूर की सोच रखता है, तू तो ऐसे भी सुसाइड करने के बारे में सोच रहा है, इन चीजों के साथ तो तेरा कोई मतलब ही नहीं है, तेरे जाते जाते अगर मुझे कुछ फायदा हो जाए तो उससे तुझे क्या दिक्कत है? तब वो इंसान जो है वो अंदर से पिघल जाता है और इमोशनल हो जाता है, और वो सोचता है कि भगवान ने मुझे इतनी सारी चीजें दी। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास आंखें नहीं है, आंखों की रोशनी नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुझे तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है और मुझे लगता था कि मुझे जिंदगी में कुछ भी नहीं मिला, तो भगवान ने ऐसी बहुत सारी चीजें मुझे दी है और उसके बाद भी मैं ये स्टेप कर लेने जा रहा था। तो ऐसे दुनिया में काफी लोग हैं जिनके पास में ये सारी चीजें नहीं है फिर भी वो जी रहे हैं। तो फिर मैंने जो डिसीजन लिया था वो शायद बहुत गलत डिसीजन लिया था, मेरे से ज्यादा दुख में भी लोग हैं और वो लोग भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मौत बहुत आसान है, आत्महत्या बहुत आसान है, इसलिए ये थॉट्स आते हैं। जीना बहुत डिफिकल्ट है, जिंदगी हर बार हर स्टेप पे आपको नए चैलेंजेस फेंकेगी। पुरुषार्थ इसी में है कि उस चैलेंज को उठाइए और आगे बढ़िए। मरना बहुत आसान है, ये तो कायरता वाली बात है, मरकर क्या करना है? अगर हो सके तो अपने जिंदगी का उद्देश्य बना लीजिए दूसरों की मदद करना। बहुत लोग हैं जिनको आपके किसी ना किसी तरह से जरूरत हो सकती है, उनको हेल्प करने में अपने लाइफ का ऑब्जेक्टिव ढूंढिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कीजिए। डेथ कोई सोल्यूशन नहीं है, तो इस चीज को लेकर के, ऐसे थॉट्स को लेकर के नहीं चलना है। ऐसा थॉट्स आता भी है तो अपने थॉट्स को वॉच कीजिए, नेगेटिव थॉट्स को जाने दीजिए, पॉजिटिव थॉट्स के साथ में रहना शुरू कीजिए। धीरे धीरे मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें आप कर सकते हैं जिससे आपको ये सारी थॉट्स आना बंद हो जाए। इसके लिए हम लोग CBT सीखेंगे, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एंड कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी, ये सारी चीजें सीखेंगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट अभी आपको ये ध्यान रखना है कि आत्महत्या कोई सोल्यूशन नहीं है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हर इंसान के जिंदगी में डिफिकल्टीज है,
उसका सामना कीजिए, उससे भागिए मत, क्योंकि आप, मुझे विश्वास है कि आप भगोड़े नहीं हैं, आप कायर नहीं हैं, आप जी सकते हैं बहुत अच्छी जिंदगी और आप हर सिचुएशन को फेस करते हुए आगे निकल सकते हैं। तो एक पॉजिटिविटी के साथ, एक पॉजिटिव थॉट के साथ हर सुबह उठिए, कोशिश कीजिए अपने जिंदगी का 50% टाइम लोगों को हेल्प करने में लगाइए, किसी भी तरह का हेल्प हो सकता है, इसे अपनी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा तो दूसरों को खुशी दीजिए, बहुत लोगों को आपके हेल्प की जरूरत है, उनको हेल्प कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप दूसरों को हेल्प करके देखिए, आपको एक इतना अच्छा ऑरा मिलेगा कि आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी सफल हो गई, जिंदगी का एक उद्देश्य मिल जाएगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत बुरी तरह से जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं और जीने के लिए आस लगाए बैठे हैं, उनकी मदद कीजिए, उनसे सीखिए। आत्महत्या करना कोई सलूशन नहीं है, आत्महत्या के बारे में नहीं सोचना है, और पॉजिटिवली दूसरों को हेल्प करने में आप 6 महीने निकाल दीजिए, उसके बाद आपका थॉट पैटर्न ही चेंज हो जाएगा। आप एक बार इसको करके देखिए और आगे हम CBT CDT के थ्रू सीखेंगे कि कैसे इन थॉट्स को बाहर निकाल सकते हैं और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से फिर से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। थैंक यू। ये क्वेश्चन आया है दिल्ली से, ये कहती है, मेरी एज 63 ईयर्स है, मैं एक बहुत बुरी औरत हूं क्योंकि मुझे हमेशा भगवान के साथ सेक्स करने के थॉट्स आते हैं, मुझसे बड़ी पापी कोई हो नहीं सकती, ऐसी जिंदगी का मैं क्या करूं? देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको एक मेंटल प्रॉब्लम हुआ है, उसका नाम है OCD, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का ही एक स्पेसिफिक पार्ट है, एक टाइप है। आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स नहीं आते हैं, ये थॉट्स आपको इसलिए आना शुरू हुए हैं क्योंकि आप अभी बीमार हैं, आपको एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसकी ट्रीटमेंट की आपको जरूरत है। तो आप जाइए, अब आप अपने मन से तो ये सारे थॉट्स ला नहीं रहे हैं, इसके पीछे मैंने कहा कि एक बीमारी है जिसके बारे में शायद आपको पता ही नहीं है, और इस तरह के थॉट्स अपने आप आते जा रहे हैं और उसको लेकर आप और गिल्ट फील कर रहे हैं और आप अपने आप को बहुत ज्यादा पापी फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपने बहुत ज्यादा पाप कर रहे हैं। बट ये थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स उसी लिए आ रहे हैं क्योंकि आपको OCD की बीमारी है। अपने साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, 2 से 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद आपको ये सारे थॉट्स आना बंद हो जाएंगे। आप नहीं ला रहे हैं ऐसे थॉट्स, ये OCD के चलते अपने आप ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, इसको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। 2 से 3 महीने के लिए आप दवा लीजिए, उसके बाद आपको बहुत आराम आ जाएगा और इन सभी चीजों से आप बाहर निकल जाएंगे, फिर इस तरह के थॉट्स आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आगे मैं डिटेल्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये सारी चीजें कैसे करना है और किस तरह से इसमें थेरेपीज काम करती है, और उसके लिए मैं आपको सेपरेटली मेल भेज दूंगा और सारी चीजें डिटेल्स में बता दूंगा। आपको अगर किसी भी तरह के क्वेश्चन की जरूरत हो आप मुझे मेल कीजिए, मैं उसका आंसर करूंगा। बट इन सभी चीजों को लेकर के अंदर अंदर मत घुटिए और अपने अंदर किसी भी इस तरह का नेगेटिविटी मत रखिए कि आप बहुत गलत इंसान है, आप कुछ बहुत बुरा सोच रहे हैं। आप नहीं सोच रहे हैं, एक प्रॉब्लम है उसके चलते ये सारी चीजें आ रही हैं जिसका ट्रीटमेंट करना पॉसिबल है। आप जाइए अपने डॉक्टर से मिलिए और बिल्कुल आप इस चीज से आराम पा सकते हैं, बिल्कुल ये सारे थॉट्स आना बंद हो जाएंगी। थैंक यू। ये जो क्वेश्चन आया है ये नागपुर से आया है, इसमें ये लिखते हैं, मैं अपने पूरे रिलेटिव्स में सबसे ज्यादा फाइनेंशियली वीक हूं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, घर हैं, पैसे हैं, हम लोग किसी सोशल फंक्शन में मिलते हैं तो मुझे बहुत शर्म आती है और अपने आप को उनके सामने बहुत छोटा फील करता हूं। अब मैंने उनसे थोड़ी सी डिस्टेंस बना ली है, मैं नहीं चाहता पर फिर भी मुझे उनसे मिलने में बहुत अजीब लगता है, क्या मेरी इसमें कोई गलती है? सबसे पहली बात जो मैं आपको यहां पे समझाना चाहूंगा कि पैसे वाले लोगों की इस दुनिया में कभी बात नहीं होती है। इस दुनिया में उन्हीं लोगों की बात हुई है जो फकीर है, जो भिखारी है। दुनिया के बड़े से बड़े रिचेस्ट पर्सन की बात करें तो आज वो है, उनके बारे में चर्चा हो रही है, आज से 100-200 साल के बाद उन्हें कोई याद भी नहीं रखेगा। लेकिन जो बड़े से बड़े फकीर हुए हैं, भिखारी हुए हैं, उनको पूरी दुनिया आज भी याद रखी हुई है और उनके ही बताए गए नक्शों पर, उनके ही बताए गए फुटप्रिंट्स पर पूरी दुनिया चल रही है। कौन फकीर नहीं है यहां? जितने भी बड़े लोग हैं जो सालों से, हजारों हजार सालों से याद किए जा रहे हैं, वो सभी फकीर थे। यहाँ गांधी भिखारी है, यहाँ बुद्ध भिखारी है, यहाँ महावीर भिखारी है, यहाँ जीसस क्राइस्ट भिखारी है, यहाँ मोहम्मद भिखारी है, यहाँ लाओत्से भिखारी है। इन्होंने कभी पैसे या प्रॉपर्टी बनाने के बारे में नहीं सोचा, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ऑब्जेक्टिव के साथ दे दिया, दूसरों को हेल्प करने में दे दिया, और आज वही लोग पूजे जा रहे हैं,
आज उन्हीं लोगों को पूरा वर्ल्ड पूछता है। क्यों पूछता है? क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने अपनी दिमाग अपनी सोच को हमेशा इस तरह से बना कर रखा कि वो दूसरों की हेल्प कर सके। यहां तो सभी भिखारी है और भिखारी ही पूछे जाते हैं, हमारे देश में हो चाहे किसी और देश में भी हो। तो भिखारी कोई खराब शब्द नहीं है, ये शब्द तो बहुत इज्जत का है, इस शब्द को बहुत इज्जत के साथ लेना चाहिए और उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इज्जत रखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हर चीज का त्याग किया है। ना उन्हें किसी चीज का मोह है, ना उन्हें किसी चीज का शर्म है, ना उन्हें क्रोध है, ना किसी भी तरह का बड़प्पन दिखाने की वो कोशिश करते हैं। वही लोग पूजे जाने के लायक है। अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो बहुत अच्छा है, आप उन चीजों से बाहर आ गए, आपको एक मौका मिला कि आप अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। क्योंकि जो इन चीजों से अटैच्ड है उनको इन चीजों से निकलने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब महावीर की बात करें, बुद्ध की बात करें, ज्यादातर लोगों की बात करें, ये लोग राजा थे, उनको वो सारी चीजें छोड़कर आनी पड़ी, फिर दोबारा उन्होंने उन चीजों को कभी नहीं लिया। ये इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। आपके पास नहीं है, जितना है उसमें सेटिस्फाइड रहिए, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, लेकिन इसको देखकर अपने आप को छोटा समझने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं रहता, कभी किसी के पास ज्यादा पैसे है, कभी किसी के पास कम पैसे है, ये तो एक साइकिल की तरह है जो चलता रहेगा। और इस चीज को लेकर के टेंशन की क्या बात है? आपके नजरों में जब तक आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, जब तक आप जानते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आपके अंदर दूसरों के लिए कोई गलत भावना नहीं है, आप किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, तो ऐसे फकीर की दुनिया को ज्यादा जरूरत है। जो इंसान बहुत पैसे वाले हैं लेकिन दूसरों के बारे में उनके थॉट्स खराब है, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, वैसे इंसान को इस दुनिया में रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके बिना भी दुनिया चलेगी और शायद अच्छे से चलेगी। अगर आपकी तरह सोच रखने वाले लोग यहाँ ज्यादा हो और पैसे की उनको कोई चिंता ना रहे और उनकी सोच अच्छी रहे, दूसरों को हेल्प करने के बारे में सोचे, अहिंसा के बारे में सोचे, इन सभी चीजों के बारे में सोचे, तो दुनिया तो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपको तो बहुत खुश होना चाहिए कि आपके पास चीजें कम है, सिर्फ अपने सोच के डायरेक्शन को बदलने की जरूरत है। वंस आपने अपने सोच के डायरेक्शन को बदल लिया, आपको दिखेगा कि आप में तो कोई भी नेगेटिव चीज है ही नहीं। और ये जो चीज है, जो करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी लोग बना रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जब वो जा रहे हैं कुछ भी लेकर नहीं जा रहे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। अलेक्जेंडर की कहानी मुझे याद आती है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसने लगभग आधे दुनिया को जीत लिया था और उसने ये काम सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उनके कंट्री में ऐसा माना जाता था कि अगर वो ऐसा करते हैं, पूरी दुनिया पे राज करते हैं, तो वो हेवन के एक स्पेशल जगह में जाएंगे, विच इज कॉल्ड द हेवन ऑफ द हीरोज, जिसको टेक्सास कहते हैं। वहां वो जाएंगे जहां सिर्फ हीरोज पहुंचते हैं। उसके लिए उसे शुरू से शिक्षा ही ऐसी दी गई थी। तो उसने अपनी माँ को वादा किया था कि जब मैं पूरा वर्ल्ड को जीत कर आऊंगा तभी तुमसे मिलने आऊंगा। और जब लगभग वो आधे वर्ल्ड को जीत लेता है और वापस जाता रहता है, तब वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। वो बड़े बड़े वैद्यों को बुलाता है, उसे कहता है कि अभी मुझे और अपने घर तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। वो लोग कहते हैं कम से कम 6 घंटे की दूरी है। तो वो कहते हैं कि मेरे पास कितना वक्त बचा है? तो वो लोग बताते हैं मुश्किल से 1-1.5 घंटा। वो कहते हैं मेरी पूरी प्रॉपर्टी ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, मुझे सिर्फ 6 घंटे के लिए जिंदा कर दो ताकि मैं अपनी माँ से मिल सकूं और उनको बता सकूं कि मैंने जो वादा किया था वो मैं पूरा करके आ रहा हूं। सब कुछ ले लो, मुझे सिर्फ 6 घंटे के लिए सांसें दे दो जिससे कि मैं 6 घंटा तक जिंदा रहूं। सारे वैद्य कहते हैं कि अब कोई उपाय नहीं है, आपको अब 6 घंटे तक बचाकर नहीं रखा जा सकता। तो वो उदास होता है और वो एक बात कहता है कि याद रखना, जब मैं मेरे घर पे पहुंचूंगा, अपने देश में पहुंचूंगा, तो मेरे अर्थी को लेकर के एक प्रोसेशन निकालना, और जिस कॉफिन में मेरी लाश होगी उस कॉफिन से मेरी हाथों को बाहर निकाल कर रखना। क्यों? क्योंकि पूरे दुनिया को यह मैसेज मिल सके कि मैंने पूरे वर्ल्ड को जीतने की कामना की थी, मैंने आधे वर्ल्ड को जीत भी लिया था, बहुत पैसा कमाया, बहुत दौलतें कमाई, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन आज जब मैं जा रहा हूं तो मेरे दोनों हाथ खाली है। इसका मतलब उन्हें इस बात का सीख मिलेगा इससे कि आप कितनी भी भागा दौड़ी कर लीजिए, यहां पैसे के पीछे कितनी भी भागिए, नफरतें फैलाइए, हिंसा कीजिए, कुछ भी कीजिए, जब आप जाएंगे तो कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। तो हमेशा से सच्चाई यही है, पैसा कम हो या ज्यादा हो उससे कोई परेशानी होती ही नहीं है। परेशानी अगर होती है तो गलत थॉट से होती है। नेगेटिवली किसी के साथ में बिहेव नहीं करना है, किसी को भी इमोशनली
हर्ट करने की कोशिश मत कीजिए, किसी के लिए भी बुरी भावना मत रखिए मन में, आपको बहुत अच्छा फील होगा। दूसरों की हेल्प कीजिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। बीमार इंसान हो चाहे बीमार जानवर हो, उसकी मदद कीजिए, उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, आपको अंदर ही अंदर बहुत अच्छा फील होगा। और जब आपकी आंखें बंद होगी, जब आप अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे होंगे, तो आप बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ इस दुनिया से जा सकते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि आपने कुछ गलती किया ही नहीं है। क्योंकि इंसान जब मौत के मुंह में होता है, तो इंसान सबसे ज्यादा इन चीजों को लेकर टेंशन में आता है और सोचता है कि मैंने क्या क्या गलतियां की थी। लेकिन आप अगर इन सभी चीजों से अपने आप को अलग करके रखते हैं, तो जब आप आखिरी सांसें भी ले रहे होंगे, तो बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ आप मौत को गले लगा पाएंगे। तो इसके लिए कोई भी नेगेटिव थॉट रखने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की ऐसी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे रिलेटिव्स के पास बहुत अच्छा है। आपकी सोच अच्छी है तो सब कुछ अच्छी है, अपने सोच को हेल्दी रखना है। तो आज इतना ही, क्वेश्चंस लेते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग और क्वेश्चंस लेंगे और डिटेल्स में उन पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।